नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, जय माता सरस्वती। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो धनु राशि वालों, दोस्तों हम आप सभी को बता दें दोस्तों कि आप लोग हो जाएं बहुत ही बहुत सावधान, क्योंकि दोस्तों आपका हंसता खेलता परिवार को बर्बाद कर देगी इस नाम की नारी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों, यह नारी या औरत आपके परिवार के पीछे, आपके पीछे दोस्तों पिछले 5 सालों से पड़ी हुई हैं। और दोस्तों, यह औरत आपके घर को बर्बाद करने के लिए, आपके परिवार को बर्बाद करने के लिए दोस्तों यह नारी कई प्रकार के तांत्रिक क्रियाएं भी करते हुए आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग अभी वक्त रहते इस नारी से, इस औरत से अगर आप सावधान नहीं होंगे तो दोस्तों आपका पूरा घर परिवार दोस्तों या नारी बर्बाद करके ही छोड़ेंगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह नारी आपके पीछे दोस्तों हाथ धोकर पड़ी हुई हैं। दोस्तों, यह नारी आपको देखना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। दोस्तों, ये नारी आपको हमेशा तकलीफ़ में देखना चाहते हैं, आपको हमेशा मुसीबत में देखना चाहते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में कभी कोई खुशी आती है, कभी कोई दोस्तों आपके घर में अच्छे शुभ संदेश की प्राप्ति होती है, तो यह नारी आपकी इस खुशखबरी को देखकर बिल्कुल भी आपसे खुश नहीं होते हैं, बल्कि दोस्तों इसको अंदर से बहुत ही अधिक जलन से महसूस होती हैं। दोस्तों, यह नारी आप लोगों के लिए दोस्तों एक प्रकार से यूं कहें तो आपके ज़िंदगी में दोस्तों सांप की तरह डंक मारते हुए आ रहे हैं। यह नारी आपके ज़िंदगी के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध भी होने वाली हैं, इसलिए आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दोस्तों आपके पास अभी भी वक्त हैं, अभी भी दोस्तों आपके पास समय है। आप लोग इस नारी से हो जाएं सावधान, ताकि दोस्तों आपके जीवन में आपको किसी प्रकार की मुसीबतों का सामना ना करना पड़े और आपके हंसते खेलते परिवार में दोस्तों कोई मुसीबतें, किसी प्रकार की तकलीफ परेशानियों का आपका सामना ना करना पड़े और आपका घर बर्बाद होने से बच जाए। जी दोस्तों, तो यह नारी कौन है, आखिर यह नारी आपके पीछे क्यों पड़ी है, दोस्तों आखिर इसका आपने क्या कुछ बिगाड़ा है, आखिर दोस्तों यह नारी आपके जीवन में इतना घिनौना कार्य क्यों कर रहे हैं, आखिर दोस्तों आपसे इनको क्या दुश्मनी है। हम आप लोगों को सभी प्रश्नों के उत्तर भी बताएंगे और साथ में आप लोगों को वीडियो के अंत में कुछ 2-3 उपाय बताएंगे, जिन्हें अगर आप कर लेंगे तो आप अपने जीवन को दोस्तों एक मजबूती पाएंगे और आपके जीवन को कोई कुछ कर नहीं सकते हैं, आपके जीवन में कभी कोई संकट ना आएंगे और आप लोगों के ऊपर सदैव माता सरस्वती की कृपा और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेंगी और आपके जीवन में दोस्तों कोई आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता है। तो आप लोग इस उपाय को जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आपको सभी जानकारियां हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाले हैं, इसलिए आज की इस वीडियो को जो जातक मिस करेंगे दोस्तों वो सबसे बड़ा महाबदनसीब होगा। जो जातक अपने ज़िंदगी से, अपने घर परिवार से प्यार ना करता होगा दोस्त, वही जातक आज की इस वीडियो को नज़रअंदाज करेगा। जी दोस्तों, जो चाहते हैं कि हमारा घर परिवार बर्बाद होने से बचे, हमारे परिवार में कोई मुसीबतें न आए और हमारा हंसता खेलता परिवार हमेशा हंसता खेलता और मुस्कुराता रहे। जी दोस्तों, तो आइए बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, उससे पहले माता लक्ष्मी जी के और माता सरस्वती जी के जितने भी सच्चे और प्यारे भक्त हैं दोस्तों, इस वीडियो को अपने
अपने दोनों हाथों से एक प्यारा सा लिख जरूर करें और चाहते कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिख दें जय माता लक्ष्मी जय माँ सरस्वती, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो दोस्तों आइए बात करते हैं, बड़े की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर यह नारी है कौन जो आपका हंसता खेलता परिवार को बर्बाद करने पर तुली हुई है। तो दोस्तों ज़रा सभी बातों को ध्यान से और गौर से सुनिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों हम आप सभी को बता दें दोस्तों कि वैसे तो आपके जीवन में कई ऐसे औरत हैं जो आपके दुश्मन बनी बैठी हुई हैं, लेकिन दोस्तों सभी औरत आपके लिए इतना बुरा नहीं सोचती हैं जितना दोस्तों यह औरत आपके लिए बुरा सोचती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि दोस्तों यह औरत आपके जीवन को आपके घर परिवार को बर्बाद करने के लिए ना जाने दोस्तों इन्होंने कई तरह के उपाय अपनाए हैं, कई तरह की इन्होंने तांत्रिक क्रियाएं भी किए हैं। आपके जीवन में हमेशा जो हर बार अचानक से मुसीबतें आती थी, आपके जीवन में हर बार जो अचानक से दोस्तों परेशानी आती थी दोस्तों, वे सब इन्हीं औरत के चलते आपके जीवन में आते थे। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में अक्सर देखे होंगे कि आप अपने जीवन में कभी कल बहुत ही खुश रहते थे, आपके जीवन में सब कोई दोस्तों काफ़ी खुश भी रहते थे, लेकिन दोस्तों अचानक से कुछ ऐसी बड़ी आपकी ज़िंदगी में परेशानी आती थी जिस कारण से आप ज़िंदगी में बहुत ही परेशान भी रहते थे। और दोस्तों आप अपने जीवन काल में काफ़ी लंबे समय से कुछ ऐसा देख रहे हैं कि आप अपने जीवन में दोस्तों किन्हीं भी क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिल पा रही हैं। आप दोस्तों बहुत कुछ जीवन में करना चाहते थे लेकिन दोस्तों आपको कोई काम बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा था। दोस्तों यूं कहें तो आप सोचते कुछ और थे और आपकी ज़िंदगी में हमेशा हर बार होता कुछ और था। दोस्तों आप जिन भी क्षेत्र में जो भी काम करना चाहते थे आपका जीवन में कोई भी काम बिल्कुल भी नहीं बनता था और आप लोगों को हर बार असफलता का अनुभव भी होते हैं और आप अपने जीवन काल में हर बार दोस्तों बहुत ही तकलीफ और मुसीबत में फंसते ही आ रहे हैं और आप हमेशा हर बार अपने भाग्य को अपने किस्मत को दोष देते हैं और कहते हैं कि हमारा भाग्य ही खराब है, हमारा किस्मत ही खराब है जो हर बार हमारे साथ ऐसा कुछ होते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि हर बार हमारा भाग्य हमारा किस्मत बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। दोस्तों हमारे जीवन के कुछ ऐसे आदमी होते हैं जो हमारे लिए बुरा काम करते हैं, जो हमें देखना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। और ठीक इसी प्रकार से आपकी ज़िंदगी में भी ये सब कुछ जो आपकी ज़िंदगी में हो रहे थे दोस्तों, ये सब इस महिला इस नारी के कारण आपकी ज़िंदगी में हो रहे थे। दोस्तों इन्हीं औरत के चलते आप अपनी ज़िंदगी में कभी कोई काम सफल नहीं कर पाते थे, आप अपनी ज़िंदगी में कोई काम को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाते थे, आप अपनी ज़िंदगी में हर में दोस्तों अधूरा ही रह जाते थे। तो उनके पीछे केवल यही औरत थी और यह औरत दोस्तों कोई नहीं आपका बाहर का है, ना ही कोई आपका दूर का है, बल्कि दोस्तों आपके अपने ही लोग हैं, आपके आस पड़ोस के महिलाएं हैं। दोस्तों जिन महिलाओं पर आप जीवन में हमेशा खुद से ज़्यादा विश्वास और भरोसा करते हैं दोस्त, वही महिलाएं आपके साथ धोखा कर रही हैं, आपको बर्बाद कर रही हैं। आप अपने जीवन में जिन महिलाओं को हर छोटी से बड़ी बातें बताते हैं कि आपके घर में आपके जीवन में क्या होगा क्या होने वाला है, आप जिन महिलाओं को अपने घर की हर बातें जिनको बताते हैं, जिनको आप हमेशा अपना समझते हैं दोस्त, वही महिलाएँ आपके जीवन को आपके घर को बर्बाद कर रही हैं। या फिर दोस्तों अगर आपके जीवन में किसी भी औरत के साथ किसी महिला के साथ अगर आपके घर से किसी प्रकार की विवादें हुई थी, किसी प्रकार के दोस्तों टेंशन झगड़े हुए थे, अगर दोस्तों वो महिलाएं आपसे इसमें काफ़ी अच्छा साथ रह रही हैं तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दोस्तों वह महिलाएं आपके लिए इस तरह साथ रह रही हैं कि आपके जीवन की हर बातों को दोस्तों वो
जान रहे हैं आपके घर को बर्बाद करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे जीवन में जो लोग एक बार दोस्तों दुश्मन बन जाते हैं, चाहे वो औरत हो या फिर आदमी हो, दोस्तों उनका दुश्मनी हमारे लिए हमेशा ही रहते हैं। और आपके भी जीवन में ऐसे ही औरत हैं जो आपके जीवन को बर्बाद करने पर तुली हुई हैं। और दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आपके जीवन में ऐसा औरत हैं जो दूसरों की बातें आपको सुनाते हैं और आप जिन महिलाओं के बातों में हमेशा चलते हैं, तो आप लोगों को अब से हो जाना है सावधान। ऐसी महिलाओं का साथ आप लोगों को जल्दी से छोड़ना है, नहीं तो ऐसी महिलाएं आपकी पूरी जीवन को बर्बाद करके रख देंगी। क्योंकि दोस्तों ऐसा महिलाएं हमारे जीवन के लिए दोस्तों शाम से भी खतरनाक सिद्ध होते हैं। इसलिए आप लोगों को अब से रहना होगा बहुत ही संभल कर और बहुत ही सावधानी के साथ। दोस्तों अब आप लोगों को अपने जीवन में किन्हीं भी महिलाओं पर विश्वास यकीन बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो दोस्तों आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात भी हो सकते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि यह कलयुग है और इस कलयुग में दोस्तों सिर्फ लोग मतलब से याद करते हैं। दोस्तों जो मतलबी होते हैं दोस्तों वो लोग अपना परिचय खुद ही देते हैं। इसलिए अगर आपके भी जीवन में कोई ऐसा मतलबी औरत हैं तो आप लोगों को उनसे अब हो जाना है सावधान, नहीं तो दोस्तों आपके पूरे जीवन को बर्बाद करके ही छोड़ेंगी। तो आप लोगों को इन बातों का यश बहुत ही ख्याल रखना है और जीवन में दोस्तों को भी काम करें तो खुद करें, किन्हीं भी जीवन में अपने आस पड़ोस की महिलाओं पर या फिर अपने रिश्तेदार की महिलाओं पर बिल्कुल भी आप यकीन और विश्वास ना करें, नहीं तो दोस्तों आप अपने जीवन को खुद ही बर्बाद कर सकते हैं। तो आप लोगों को इन बातों का बहुत ही ख्याल रखना है। जी दोस्तों अगर आप इस महिलाओं से बचना चाहते हैं तो आप लोगों को मैं कुछ दो तीन उपाय बताना चाहूँगा, आप इसे बिल्कुल ही अपने जीवन में करें। अगर आपके जीवन में कई प्रकार की मुसीबतें हैं, परेशानी हैं, तकलीफ हैं, कई प्रकार के आप अगर अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो आप इस उपाय को अवश्य ही करें। आपके जीवन की हर परेशानी से आपको दूर आपके जीवन की हर परेशानी से आपको मुक्ति मिलेंगी और आप अपनी ज़िंदगी में दोस्तों काफ़ी खुश भी हमेशा दिखाई देते रहेंगे। दोस्तों आप अपने जीवन काल में प्रतिदिन गाय, कुत्ते, कौवे, पक्षी व चींटी को रोटी खिलाएं, आपके जीवन के बिगड़े काम बनने लगेंगे और इनसे आपके जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेंगी। आपके जीवन में जो भी संकट हैं, जो भी दोस्तों परेशानी हैं, उन सभी से आप लोगों को जीवन में हमेशा मुक्ति मिलेंगी। दोस्तों क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है, घर के आसपास गाय का होने का मतलब है कि आप सभी तरह के संकटों से दूर रहकर सुख और समृद्ध पूर्वक जीवन जी रहे हैं। गाय को प्रतिदिन आप भोजन कराने से घर में धन समृद्धि और शांति बढ़ती रहेंगी और गाय को खिलाने से घर की सभी प्रकार की पीड़ा भी दूर होंगी और आपके जीवन के हर संकट से आपको मुक्ति मिलेगी। और सदैव दोस्तों माता लक्ष्मी की और महाबली शंकर मोचन हनुमान की कृपा सदैव आप लोगों के ऊपर बनी रहेंगी। तो आप इस उपाय को अवश्य ही करें और इनके साथ ही दोस्तों अगर आप अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं से दोस्तों परेशान हैं तो आप अपने जीवन काल में दोस्तों गुरुवार को बृहस्पति यानी गुरु महाराज भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, दोस्तों उनकी आप अर्चना करें। दोस्तों क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जो करते हैं दोस्तों उनसे माता लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होते हैं और उनके जीवन की सभी प्रकार की परेशानियों से उन्हें मुक्ति देती हैं और उनके घर में दोस्तों धन की बरसात होने लगती हैं। तो आप इस उपाय को अवश्य करें, आपके जीवन की सभी परेशानी हमेशा दूर होती रहेंगी और आपके जीवन में आपके घर में दोस्तों सदैव धन भंडार भरा रहेंगे।